कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCECELE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसका यूज करते हैं इसलिए ताकि जो वर्ब का फॉर्म्स है ना, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है V1, V2, V3, V4, V5, उन सभी के बारे में हम लोग क्या कर सके, पढ़ सके, जान सके और उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध बताता है वो हम लोग जान सके, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं टेंस को पढ़ते हैं। तो टेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हम लोग स्पोकन कर रहे हैं मतलब बोलचाल के लिए, चाहे वो लिखने के लिए। कहीं पे हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, डॉग माई है, ऐसे लिखते हैं नहीं ना, ये हम लोग व्हाट्सएप चैटिंग में ज़रूर लिख लेते हैं, लेकिन क्या एक प्रॉपर सेंटेंस नज़र आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब हमें पता ही नहीं है कि कब कौन सा टेंस लगाना है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे इसके जगह पे अगर टेंस हम लोग पढ़ लेंगे है ना, तो टेंस हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से और भी कई सारे हैं, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस आप जो है बोल सकते हैं। तो जो मॉडर्न ग्रामर है इसके जो फादर्स हैं वो हैं नेस फील्ड को जो है मॉडर्न ग्रामर का फादर कहा जाता है। जो वर्ड है टेंस, ये एक लैटिन वर्ड, कैसा वर्ड, लैटिन वर्ड जो कि है टेम्पस। टेम्पस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब क्या होता है टाइम, ये टाइम से रिलेटेड होता है। ओके, जो टेंस है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसमें जनरली हम लोगों के पास कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 72। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स डाल सकते हो, इट हैज 72 स्ट्रक्चर्स, यानी 72 तरीके से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं टेंस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो जो टेंस है ये हमारा मेनली तीन तरीके का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जितने भी टेंसेज मैंने बताया तीन, इन तीनों का चार चार टाइप्स हैं। कौन कसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके भी छः, सिर्फ उसके ही नहीं जितने इसके चार टाइप्स हैं, इन चारों टाइप्स के छः छः और क्लासिफाई किए जाते हैं उसके अंदर में जाएंगे। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव है ना, जो पॉजिटिव मीनिंग आपको देता हो, ठीक है, निगेटिव जो नकारात्मक मीनिंग देता हो, इंट्रोगेटिव जिससे आपको प्रश्न पूछते हो और उसे में हाँ का जवाब आता हो, और इंटरनिगेटिव जिसको इंट्रोनिगेटिव भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि आप प्रश्न पूछे और आपको जो है जवाब में ना मिले तो वैसा सेंटेंस इसमें आएगा। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, यानी हम लोग बोलते हैं ना कैसा है, क्या है, किसका है, तो उस तरीके से WH क्वेश्चंस वाले जो वर्ड्स आते हैं वो उसके जोड़कर फिर क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें हाँ का जवाब मिलता है तो वो हमारा WH क्वेश्चन अफर्मेटिव हो गया। और WH क्वेश्चन निगेटिव, जब WH वर्ड्स का यूज़ करें जैसे व्हाट, वर, वेयर,
इन सभी का, और उसका यूज करके सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे और वहां से जवाब मिलेगा कि नहीं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डब्ल्यू एस क्वेश्चंस निगेटिव। तो ये अनदर पार्ट्स हैं, ये सभी, ये जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो सेंटेंस का टाइप्स हैं, ये मैं आपको सेंटेंस वाले टाइप्स में, यानी जो सेंटेंस वाला टॉप चैप्टर से आपका सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, उसमें मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। यहाँ पे उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें मैंने कवर किया है ओके, तो वो उसको जो आप लोग ज़रूर देखना। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का 6 स्ट्रक्चर्स। जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, कई बार प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता ही नहीं है, ऐसा नहीं पढ़े होंगे। तो अब जान लो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट भी 6 होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी 6 होता है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का भी 6 स्ट्रक्चर्स, पास्ट इम्परफेक्ट का भी 6 स्ट्रक्चर्स, पास्ट परफेक्ट का भी 6 स्ट्रक्चर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी 6 स्ट्रक्चर्स, इसका भी 6 स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इम्परफेक्ट का भी 6 स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट का 6 स्ट्रक्चर, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी 6 स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों जो टेंस हैं, ये तीनों का अगर टोटल बात किया जाए, तो प्रेजेंट का 24 स्ट्रक्चर्स है ना, पास्ट का 24 स्ट्रक्चर्स और फ्यूचर का 24 स्ट्रक्चर्स, ये तीनों को ऐड कर देंगे है ना, तो क्या आ जाएगा, 24 प्लस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 72 स्ट्रक्चर्स जो है आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मैं सारी बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो भी, और जो नहीं इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको प्रॉपर डील करूंगा, ताकि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको जो है मैं मिटाता हूँ, अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट भी कई बार कहते हैं, बट उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मैं आईडी से लिखता हूँ, आइडेंटिफाई करने का तरीका। जैसे कोई भी वर्ब हिंदी में अगर है तो है ना, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो अगर वर्ब के बाद ता है, ती है या ते है ना, जब कोई वर्ड को हम लोग कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ है ना, मैं खाना खाता हूँ, तो ये जो है क्या है, ता हूँ या ते है, इस तरीके का यूज हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, इसको बात करें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये शो करता है हमारा डेली रूटीन, यानी प्रतिदिन कैसा रूटीन है उसको, एंड नेचुरल जो फेनोमेना है ना, जो घटनाएं हैं
प्राकृतिक उसके बारे में बताता है, तो वो हमारा किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको जो है हम लोग रखते हैं। इसका हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स बात करते हैं, जब भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए उसे एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो जो बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है किसी भी सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए वो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं और टेंस में जो है बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 पार्ट है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव और WH क्वेश्चंस नेगेटिव। इसके बारे में मैंने जो है आपको बताया था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V1 और V5, है ना, कौन सा फॉर्म होगा, V1 और V5। जो V1 है ये जो फॉर्म है ना, जो वर्ब का V1 जो फॉर्म है ये हमारा क्या होता है, नॉर्मली दिया हुआ रहता है, ठीक है। और जो V5 होता है इसमें कई सारे वर्ब में क्या करना रहता है, एस या फिर ES जोड़कर उसको जो है V5 बनाया जाता है, एस या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो जो V5 है, V5 में थर्ड पर्सन वाला जो सिंगुलर नंबर में आता है वो हमारा V5 में आता है, थर्ड पर्सन नंबर सिंगुलर, ठीक है। जैसे ही आता है, ये तो सब्जेक्ट के तौर पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड पर्संस में आपका आ जाएगा इज आ जाएगा एम आ जाएगा, तो इस तरीके से। बट वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, इज एम और आर जो है वो प्लूरल के केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इज एम ही सिर्फ रहता है, लेकिन हम लोग जो है ये पर्सन के केस में देखने को मिलता है। बट जनरली जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग V5 यूज़ करते हैं, जैसे कि ईट, तो ईट का V5 क्या होगा, ईट्स, है ना। गो का V5 क्या होगा, गोज, है ना। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोले कि वह यहाँ आता है तो इसको बनाएंगे ही कम्स हेयर। यहाँ पे ये जो कम्स है ये किससे बना है, ये बना है कम से, कम जो है ये V1 है और ये जो कम्स हुआ ये V5 है। तो कब V5 होगा और कब V1 लेगा, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो V5 का यूज़ करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बोला जाए इसी को कि वह यहाँ नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, ही डज नोट कम हेयर। यहाँ पे कम्स नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, V5 का यूज़ कर दिए हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही यूज़ किए हैं लेकिन यूज़ कर दिए हैं, और नोट भी लगा हुआ है जिसके कारण से नहीं करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फुल नाम कैसे लिखते हैं, इंट्रोगेटिव आता है ना लिखने, इंट्रोगेटिव, है ना, ये इसका पूरा सेंटेंस होता है। मैं शॉर्ट में सबका लिखा हूँ, अफर्मेटिव का शॉर्ट AFF, नेगेटिव का नेग, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद तो इंट्रो नेगेटिव, इसमें क्या होता है कि
क्या वह यहाँ आता है? क्या वह यहाँ आता है? Does he के काम हेयर, क्या वह यहाँ आता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उसी तरीके से इंट्रोनिगेटिव, क्या वह यहाँ नहीं आता है, है ना? तो इसका हो जाएगा Does he not come here? इसमें भी अगेन क्वेश्चन मार्क होगा। ये जो इंटरनिगेटिव है या इंट्रोनिगेटिव जो है, है ना, इंटरनिगेटिव या इंट्रोनिगेटिव दोनों ही हमारा सही है। ओके, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डजेंट ही कम हेयर, ये भी सही है, है ना? ये क्या है कि डू डज नॉट या डू नॉट का क्या की अगर दिए शॉर्ट फॉर्म हमने जो है यूज किया है। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज करके और क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म जो है हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे हाउ डू यू रीड इन द नाइट, मतलब तुम रात में कैसे पढ़ोगे, तुम रात में कैसे पढ़ोगे, ठीक है? तो इसको लिखो हाउ डू यू रीड इन द नाइट, ठीक है? यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव अब बनाओ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव जो है मैंने बताया उसी का निगेटिव अब बताओ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल यहाँ पे जो है नोट लग जाएगा, जैसे हाउ डू यू नॉट रीड इन द नाइट, तुम कैसे नहीं रात में पढ़ोगे, तुम कैसे रात में पढ़ोगे था उसमें, और तुम कैसे रात में नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये जो है पहले क्या लगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाला वर्ड लग गया, और उसके बाद जो है जो इंटरनिगेटिव या इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था सेम टू सेम वही लिख दिए, तो हमारा जो है वो बन गया। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसकी मदद से, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाले वर्ड का यूज करके, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। कई बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ना बोल के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल देता है, है ना? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बताओ, तो ये भी सेम है, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले या फिर कंटिन्यूअस बोले, ये तीनों का मतलब ही जो है एक ही है। देखो कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, प्रोग्रेस का मतलब अभी काम जारी है, इम्परफेक्ट मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके से। तो इसका जो आइडेंटिफाई है, मतलब अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो वर्ब के अंत में, है ना, वर्ब प्लस ता रहा है, ता रहा है, तीर रही है या ते रहे हैं, इस तरीके का हमारा जो है सेंस मिलता है, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं कि वो टेंस जो है या वो जो वाक्य है यानी जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये जो है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि कोई भी काम टेम्पररी रूप से अभी एक्शन में है, है ना? तो इट शोज, यहाँ पे लिखो इट शोज द टेम्पररी
एक्शन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी जो है टेम्पररी एक्शन है, मतलब अभी वो काम चल रहा है। या फिर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ये शो करता है एक्शन को, शोज एक्शन, एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन जो है अभी चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग शोज एक्शन इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब बोला जा रहा है उस समय वो काम चल रहा है, है ना। तो ये भी जो है हमें कौन बता, किसकी किस में देखने को मिलता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव के अंतर्गत। अगेन सेंटेंस बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, और स्ट्रक्चर्स के लिए मेनली हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपको जो है सब्जेक्ट और वर्ब का ही यूज करके आप सेंटेंस को बना लेते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग देखने को मिलता है। तो उस तरीके के सेंटेंस को कुछ और नाम से जाना जाता है जब ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। तो वो डिटेल आपको जो है जो सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग वाला जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसका जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इसका स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि वह खाना खा रहा है, है ना, क्या बोलते हैं, वह खाना खा रहा है, मतलब जब बोल रहे हैं उस समय वो खाना खा रहा है, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है बोलेंगे ही इज ईटिंग फूड, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा, अगर सब्जेक्ट यू है यानी प्लूरल है, यू है या दे है या वी है, तो इसके साथ आर लगेगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन में आता है, है ना, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में आ रहा है, तो वो जो है इज को लेगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर हो और वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा हो तो वो इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेता है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे ही इज नॉट ईटिंग फूड, है ना, ही इज नॉट ईटिंग फूड, इस तरीके से जो है हम लोग लिखेंगे। और भी सेंटेंस आप बना सकते हो, हम एक ही सेंटेंस लेकर चल रहे हैं क्योंकि अभी मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बाकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो समझ में आएगा ही। वह यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाता है, इज एम आर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, इज ही कमिंग हियर, क्या वह यहाँ आ रहा है, है ना। उसके बाद आता है क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, वो इंटरनेगेटिव में आता है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होता है। और लास्ट में डब्ल्यू एस क्वेश्चन मार्क जो है ज़रूर लगाना है, है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप आपको लगाना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट भी लगाना है ना, नोट प्लस वी फोर,
ठीक है, तो इज ही नॉट कम कमिंग, इज ही नॉट कमिंग हियर, या फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करके, इजेंट ही कमिंग हियर। दोनों का मीनिंग हिंदी में अगर बात किया जाए तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, मैं इधर वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट का मिटाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसको कंप्लीट करते हैं, है ना, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर बीच में क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, और जब दिमाग में आपके चलता रहेगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और अगला टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे किसको बात करते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाई आर यू ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों खा रहे हो, है ना, वाई आर यू ईटिंग फूड, अगेन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस अगर निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर्स होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका स्ट्रक्चर्स होता है। एग्जांपल अगर देखेंगे तो जो सेंटेंस ऊपर में बनाया उसी को निगेटिव कर देते हैं, वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, है ना। जैसे कोई परिवार के यहाँ जाता है तो बोलता है ना कि खाना खा लो, तो वो क्या करता है, थोड़ा शर्माता है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हैं, इस तरीके से जो है आप बोल सकते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जो हम लोग डिस्कस कर लिए। प्रेजेंट टेंस के अगला टाइप जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको जो है प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव यानी वैसा काम जो खत्म हो चुका है, वो अभी चल नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है, तो वैसे काम को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, है ना। प्रोग्रेस का मतलब चल रहा है, है ना, निरंतर, बट नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब नहीं चल रहा है। तो इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके वर्ब में या है, ये है या ई है अगर जुड़ा हुआ हो, मतलब इस तरीके का सेंस दे, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जो टेंस है वो हमारा कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका डिफाइन कैसे करेंगे, या है ना, डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट शोज द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन, इट शोज द कंप्लीट एक्शन ऑफ, है ना, कंप्लीट एक्शन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट में कोई भी काम जो है पूरा हो चुका है, है ना। या फिर इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि वर्ब प्लस चुका है, चुकी है या चुके हैं, इस तरीके का अर्थ मिलता हो तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नाम से जानते हैं। जैसे बोलते हैं उसने खाना खा लिया, है ना, उसने खाना खा लिया है, या वो खाना
खा चुका है, वह डॉक्टर के पास जा चुका है, डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुके हैं। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर जो है होता है। एग्जांपल के तौर पे आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, यानी मैंने यह काम कर लिया है। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे एग्जांपल आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया है। कंफ्यूजन कई बार ये होता है कि सर हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है और हैव कहाँ पे यूज़ करना है। हैज़ वहाँ पे यूज़ करना है जब हम किसी चीज़ को सिंगुलर का बोध करता है, मतलब सिंगल का बोध होता है तो वहाँ पे, या सिंगुलर वर्ब आ रहा है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में हैज़ का यूज़ करेंगे, और हैव का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि आई के साथ भी हम लोग हैव लगाते हैं, आई मतलब मैं तो एक ही हूँ ना, लेकिन फिर भी इसके साथ हैव का यूज़ करते हैं, ये एज ए कह सकते हो कि एक एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक एक्सेप्शन के तौर पे लेकर चल सकते हो। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल जो है यहाँ पे हैव आई डन दिस वर्क, ठीक है। इसका अगर इंट्रो निगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बात किया जाए तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्स होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव आई नोट, हैव आई नोट डन दिस वर्क, यहाँ पे कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर लिख लेना, ओके। डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चंस ऐड कर दो और उसके बाद सेम टू सेम जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स था वही होगा हमारा किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए, और इंट्रो निगेटिव का स्ट्रक्चर जो था उससे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा दो, वो किसके लिए हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव के लिए, तो हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। एग्जांपल के तौर पे वाई वाई हैव यू डन दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों किया, ओके। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जांपल व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों नहीं किया, तुमने यह काम क्यों नहीं किया, यह स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद अब बात करते हैं अगला जो टेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट
प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका पहचानने का नियम होता है वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं विद टाइम। मैंने ये तो हो ही और उसके साथ साथ टाइम भी आपको बताया जाए कि कब से, है ना, कब से खा रहा है, कब से जा रहा है, इस तरीके का चीज़ें हो, मैंने टाइम का सेंस हो, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। इट शोज द एक्शन ऑफ वर्क दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। इसको डिफाइन करेंगे, इट शोज दैट स्टार्टिंग वर्क इन पास्ट स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, है ना, मतलब वो कार्य अभी भी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे राम दो दिनों से खाना नहीं खाया खा रहा है, है ना, राम जो है दो दिनों से खाना नहीं खा रहा है। सोहन चार दिन से लगातार स्कूल जा रहा है। पल्लवी रोज, या फिर ऐसा कह सकते हैं, पल्लवी चार घंटे से गाना गा रही है। तो यहाँ पे क्या है, कोई काम चार घंटा पहले यानी पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन जिस समय बोला जा रहा है उस समय भी वो क्या है, गोइंग ऑन है, मतलब वो प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखना यह है कि जो हैज़ या हैव है वो सेम, जिस तरीके से इसमें मैंने बताया कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, तो हैज़ उसके साथ लगेगा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और हैव कब लगेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। लेकिन सब्जेक्ट में एक एक्सेप्शन है कि अगर आई रहेगा तो भी हम लोगों को हैव का ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है कि चलो भाई ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि हैज़ और हैव तो है, उसके साथ लगाएंगे। वी फोर में क्या होता है कि वर्ब का पहला फॉर्म में आई एन जी लगा देते हैं तो वो वी फोर बन जाता है, ये भी सर आपने बताया। और सर आप बताइए कि ये जो सीन्स है और ये फोर है ये कब लगेगा। सीन्स का मतलब भी से होता है, फोर का मतलब भी क्या होता है, से होता है। सीन्स का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब आप पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ टाइम हम लोग जो है बताते हैं तो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब दो दिनों से, चार दिनों से, पाँच महीनों से, दस सालों से, पंद्रह सालों से, तीन घंटे से, पाँच घंटे से, इस तरीके का सेंस मिलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ
टाइम, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सिंस का यूज हम लोग मॉर्निंग, यस्टरडे, लास्ट नाइट, होली, ईद, दशहरा, चाइल्डहुड, इस तरीके के वर्ड्स में भी सिंस का ही प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोला इसको आप जो है आप जो है नोट पॉइंट में नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ ना कि आपको लिखना है, मेन तो आपका इम्पॉर्टेंट यही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कई बार आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो पॉइंट्स को भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हो। तो एक बार फिर से सुन लो, कुछ एक्सेप्शंस हैं सिंस का। पहला है सिंस मॉर्निंग, दूसरा सिंस यस्टरडे, सिंस द लास्ट नाइट, सिंस होली, सिंस ईद, सिंस दशहरा, सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके का यूज करते हैं। फिर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, बस कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस वीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है, या सिंस या फोर ही लिख सकते हैं, उसके बाद टाइम नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम को वो क्या करता है, दिखाता है, बताता है, ठीक है। तो टाइम बाद में नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस एंड फोर तक ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो मॉर्निंग से नहीं पढ़ रहा था। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस सेम चीज़ है, बस यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो है मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। इंट्रोगेटिव के केस में बस मैं ये जो है इसका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी सारा का सारा जो बच जाएगा यानी रिमेनिंग दीज, यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन किए वो सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो हो जाएगा हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सच में वो मॉर्निंग से यानी सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। इंट्रोनिगेटिव में क्या होगा, इंट्रोनिगेटिव में जो निगेटिव वाला सेंटेंस है उसको में हम लोग जो है हैज़ या हैव को बाहर करेंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नोट यहाँ पे डालेंगे और बाकी रिमेनिंग ये सेम टू सेम रहेगा सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा रिमेन्स सेम रहेगा। तो एग्जांपल्स के तौर पे क्या हो जाएगा, हैज़ ही नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। देखो जब भी इंट्रोगेटिव या इंट्रोनिगेटिव या WH क्वेश्चन अफर्मेटिव या WH क्वेश्चन निगेटिव हो तो उस केस में हमेशा क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। वही चीज़ अगर हमारा यहाँ पे कलर चेंज होगा क्या, देखते हैं अगर ये चल पाएगा तो हो जाएगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे ये जो लिखे इससे पहले क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव को ऐड कर देंगे, ठीक है। और तो एग्जांपल्स इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स इसका हो जाएगा आपका वाई हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से क्यों पढ़ रहा था या पढ़ रहा है इस केस में, ठीक है, इस केस में। और इस केस में
हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ, उसको जो है आप प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको, आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट विन रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्यों वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, क्यों वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस पूरा होता है आपका कंप्लीट। अंत में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस में, सबसे पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब प्लस या ई या ए हैं, है ना, वह खाना खाए हैं, खाए, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने सोया, क्या तुमने गाना गाया, इस तरीके का जब सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, उसको मैंने आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है। पास्ट इंडेफिनिट को कई बार हम लोग जो है सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट तब बोला जाता है जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करता है, है ना, जब यूनिवर्सल ट्रूथ को जब शो किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट है, ऐसे नॉर्मली। और सिंपल प्रेजेंट भी वही है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को जनरली दिखाया जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है या ये क्या दिखाता है, तो इट शोज द पास्ट टाइम और शोज द एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट। इट शोज द एक्शन इन पास्ट, एक्शन इन पास्ट माने कोई ऐसा काम है जो पास्ट में हो चुका है या पास्ट टाइम के बारे में बताता हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स होता है, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो हो जाएगा ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया है नहीं, यहाँ पे करेंगे उसने तुम्हें बुलाया, उसने तुम्हें बुलाया, यहाँ पे है नहीं आएगा, है आ जाएगा तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसने तुम्हें बुलाया। ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया, इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। बाद अगला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे जो है दोगे, तो इसको जो है डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, इस तरीके से। उसके बाद इंट्रो निगेटिव या फिर इंटर निगेटिव या इंट्रो निगेटिव, दोनों सेम थिंग्स हैं। ठीक है, तो इसका होता है स्ट्रक्चर्स डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर्स होता है। एग्जांपल बात किया जाए तो डिड यू नोट ईट फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव, क्या होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव में क्या होता है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव रहेगा तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे इस इंट्रोगेटिव वाला वर्ड में
यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर्स रहेगा, यानी रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो एग्जांपल अगर बात किया जाए, वाई वाई डीड यू, वाई डीड यू ईट फूड, तुमने क्यों खाना खाया, तुमने क्यों खाना खाया, इस तरीके से। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव के केस में क्या होगा कि ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव है, ये आपका ये जो इंटर निगेटिव है इसमें जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वर्ड पहले ऐड कर देंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे, तो एग्जांपल होगा व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू नॉट ईट, व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करते हैं, ओके। उसके बाद आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ पे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यानी कोई काम जब पास्ट में स्टार्ट हुआ और उसमें पास्ट में वो प्रोग्रेस में था, है ना, पास्ट में वो स्टार्ट हुआ और पास्ट में वो क्या था, प्रोग्रेस में था, टेम्पररी काम का एक्शन जो है मैं दिखा रहा था पास्ट में, तो हमारा वहाँ पे आता है, ओके। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी कई बार था, थी, थे भी रहता है, तो भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, इसको कैसे बोलेंगे, तो इट शोज, इट शोज द टेम्पररी एक्शन गोइंग, इट शोज द टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट, मैंने जो टेम्पररी एक्शन है वो क्या था, पास्ट में वो हो रहा था, है ना, पास्ट में वो क्या था, हो रहा था, टेम्पररी एक्शन था पास्ट में, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है बोलते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस वो हमारा है, ओके चर्स। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है स्ट्रक्चर्स होता है पास्ट परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, ओके। एग्जांपल बात किया जाए, ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग फूड, ईटिंग फूड विद यू, वह तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, वह तुम्हारे साथ खाना खा रहा था। तो जब जो वाक्य बोला जा रहा है या जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, जब बोला जा रहा है कोई वाक्य तो पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था, ठीक है। तो उस समय इसको जो है बोला जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका निगेटिव सेंटेंस अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर्स, तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, ओके। सेंटेंस की बात किया जाए तो हो जाएगा ही वाज नॉट ईटिंग
food with you. वह तुम्हारे साथ खाना नहीं खा रहा था. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर was का यूज कहाँ पे करेंगे और were का यूज कहाँ पे करेंगे. तो जब भी सब्जेक्ट हमें यह दिखाए कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा was का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट यह दिखाए कि वो प्लुरल है तो प्लुरल के साथ वर का यूज करते हैं. ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. ओके, उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा आपका वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका स्ट्रक्चर्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में हम लोग देते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं. तो एग्जांपल हो जाएगा वाज ही कमिंग, वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी डाल सकते हैं. क्या वो गया था या जा रहा था, है ना, क्या वह जा रहा था. ठीक है, इस तरीके से. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. देखो कोई भी सेंटेंस, कई सारे आपको सेंटेंस ऐसे मिलेंगे देखने को जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है. ठीक है, तो कई सारे वैसे देखने को मिलेगा. उसके बाद आपका जो है, मैं स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ इसका, खुद से आपको जो है एग्जांपल बताना है. वाज या इंटरनेगेटिव का वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जो है सेंटेंस आपको खुद से बनाना है. एंड वाज या वर यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका भी जो है आपको खुद से एग्जांपल बताना है. और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका है, ये एक तो तीन, इन सभी का एग्जांपल जो है होमवर्क रहा आपको जो है बनाकर, है ना, होमवर्क बनाकर आपको कहाँ शेयर करना है. तो आपका जो ग्रुप है, आपको अपने ग्रुप यानी ऐप पे, है ना, ऐप में जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में इसको क्या करना है, बनाकर शेयर करना है ताकि हम चेक कर सकें कि हाँ आप लोग जो है मेहनत कर रहे हो. ऐसा ना हो कि पता चले कि सिर्फ हम बताते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं, आप मेहनत कर नहीं रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो इसको जो आपको करना है. ओके, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो टाइप है पास्ट टेंस का वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. उधर का मैं रहने देता हूँ, उधर का भी मैं नहीं मिटाऊँगा क्योंकि वो अभी आपको नोट करना है. इधर का भी आप लोग नोट कर लिए होंगे क्योंकि मैं उसमें से उधर बता रहा था, तो इसे इधर का आपने नोट कर लिया होगा. तो अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग जो है पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं. ये दो स्टेप में बनता है. ठीक है, ये जो है दो स्टेप में बनता है. ठीक है, स्टेप वन और स्टेप टू, है ना, ये दो स्टेप में जो है आपको बनता है. अब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन स्टेप वन होगा और कौन स्टेप टू होगा, तो कौन सी काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है, उसके आधार पे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है और कौन सा काम हमारा बाद में हो रहा है. तो स्टेप वन है, यानी जो फर्स्ट स्टेप है या स्टेप वन कह सकते हो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब प्लस चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरीके का हमें मीनिंग देखने को मिलेगा. या फिर इसमें हम लोग कह सकते हैं वर्ब प्लस या था, ये थी, ये थे, वो थे, इस तरीके का. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेंटेंस हमारा होता है, इट इज़ फॉर सिंगल सेंटेंस.
या डिफाइन कर सकते हो या कह सकते हो इट इज फॉर सिंगल सेंटेंस। ये क्या होगा, एक सिंगल सेंटेंस होगा। जैसे इसमें अगर हम लोग बात किया जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वह सो चुका था, हाँ वह सो चुका था, ही हैड स्लिप, है ना, वह सो चुका था। तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव बना, ये क्या बना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है आपका देखने को मिला। इसी तरीके से इसका जो है निगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा, इंटरनिगेटिव भी बनेगा, और WH क्वेश्चंस अफर्मेटिव भी बनेगा और WH क्वेश्चंस निगेटिव भी बनेगा। ये बाकी जो बच गया इसका स्ट्रक्चर्स खुद से लिखना, और आई होप कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप लोग जो है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो टेंस क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो इतना तक मैंने बता दिया, पास्ट तक बता दिया, तो इधर जो है आप खुद से इतना तो कर ही सकते हो डियर, है ना, इतना तो है आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको खुद से इतना मेहनत करना है, ठीक है, और ग्रुप में शेयर करना है, खुद से बनाओ और ग्रुप में शेयर करो ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ आपने कोई काम वगैरह किया है, ओके। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है कि दो सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिफिकेशन सेम रहता है, या था, ई थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, आइडेंटिफिकेशन सेम रहता है, है ना, यानी आईडी जो है सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो डिफिनेशंस है या जो सेंटेंस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल सेंटेंस था, यहाँ पे डबल सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। कैसे डबल सेंटेंस देखने को मिलता है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले स्टेज की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दिया गया था। तो इस तरीके का जब सेंटेंस बोलते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर्स, देखो स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स फॉर अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेटिव का मैंने नहीं बताया क्या, यहाँ पे लिख लो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो फर्स्ट स्टेप में किए थे सिंगल सेंटेंस के लिए वो तो यहाँ पे रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे आपका लगेगा बिफोर, है ना, यहाँ पे लगेगा आपका बिफोर प्लस आपका क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है स्ट्रक्चर्स होता है अफर्मेटिव का, ये स्ट्रक्चर्स क्या होता है अफर्मेटिव का। कई बार क्या होता है कि बिफोर के बाद जगह पे आफ्टर का भी यूज होता है। अब आफ्टर का सेंस कैसे, हम लोग बोलेंगे पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया था, माने पुलिस आया, पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ पुलिस आया, लेकिन जैसे ही पुलिस को चोर ने देखा वो भाग गया, यानी पुलिस के आने के बाद चोर भागा, ना कि चोर पहले चला गया उसके बाद पुलिस आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। और इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका निगेटिव सेंटेंस किस में निगेटिव लगाएंगे, क्या फर्स्ट वाला पार्ट में निगेटिव लगाएंगे स्ट्रक्चर्स में या सेकेंड वाला में, निगेटिव, निगेटिव इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर्स होता है, किसका होता है, ये
निगेटिव का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। अब मैं अफर्मेटिव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या देंगे, ही हैड गोन, ही हैड गोन, ही हैड गोन, ही हैड गोन बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, वह तुम्हारे आने यानी आपके आने से पहले या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, है ना, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, ही हैड गोन बिफोर यू कम। अगर यहीं पे सेंटेंस रहता आपका कि तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे आने के बाद वह जा चुका था, तुम्हारे आने के बाद वह जा चुका था, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं यू हैड कम, है ना, यू हैड केम आफ्टर ही हैड गोन, इस तरीके से जो है हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर्स हुआ, इसका भी जो है आपको जो है इंट्रोगेटिव, इंटरनिगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, इसका क्या करना है आपको बनाना है, इसका क्या करना है आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उसका एग्जाम्पल्स लिखना है और उसे ग्रुप में शेयर करना है। अब बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये एज ए जो है क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया और ग्रुप में आपको शेयर करना है, ठीक है, ठीक है, अपने ग्रुप में आपको जो है इसको शेयर करना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस या इसी को पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि ये जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम, मैंने टाइम के साथ वो चीज़ें रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तो हम लोग जो है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि वह दो घंटों से खा रहा था, मतलब कितना घंटों से खा रहा था, दो घंटों से, ठीक है। वह चार दिनों से पढ़ रहा था, लेकिन अभी जिस टाइम में मैं बोल रहा हूँ उस टाइम में वो नहीं पढ़ रहा है, बट चार दिनों से वो पढ़ रहा था, मतलब स्टार्टिंग में चार दिन जो था वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट शोज द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो कंप्लीटेड इन द पास्ट, है ना, इट शोज द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड ऑल्सो कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू भी हुआ और पास्ट में ही ख़त्म भी हुआ, लेकिन कुछ काम जो है कुछ देर तक, कुछ टाइम था उस देर तक ये जो है कंटिन्यू रहा, आफ्टर कंटिन्यूअस मैंने कुछ देर कंटिन्यू रहा, उसके बाद ही ये चीज़ें बंद हुई। स्ट्रक्चर बात किया जाए अफर्मेटिव का, है ना, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस सिंस या फोर ही रहने देते हैं, उसके बाद टाइम तो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो टाइम भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं भी लिखोगे तो सिंस एंड फोर का मतलब ही यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम और इसके लिए जो है यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद आप टाइम लिख भी सकते हो कि हाँ सिंस एंड फोर प्लस टाइम, या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि सिंस जो है यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये चीज़ें मैंने जो है पिछले वीडियोज़ में आपको जो है मैंने बताया था, ठीक है।
इसी तरीके से एग्जाम्पल बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही हैड बीन टीचिंग या आई हैड बीन टीचिंग सिंस या फोर लिख सकते हैं फोर ईयर्स ना, कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, चार सालों से पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से निगेटिव का स्ट्रक्चर्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर्स निगेटिव का। एग्जाम्पल्स नोट लगा देना इसी में, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड WH क्वेश्चन निगेटिव, इन सभी का क्या करना है आपको, खुद से सेल्फ मेड करना है और बनाने के बाद इसे जो है आपको जो है ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ग्रुप में शेयर करना है क्योंकि डियर अगर आप शेयर करोगे तो ही तो हमें पता चल पाएगा ना कि हाँ आप जो है कितना समझ रहे हो, क्या जान रहे हो, क्या नहीं जान रहे हो, ये सभी चीज़ें हमें जो है पता चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर टेंस का, है ना। इसी में बस इसका मैं ओवरव्यू ओवरऑल का दे दूंगा, अफर्मेटिव का सारा मैं बता दूंगा और बाकी खुद से आपको करने हैं क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं डियर। ये चीज़ें आपको ज़्यादा इन सभी चीज़ों में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटी समझ लो कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में देखते हैं, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला आता है फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को सिंपल जो है फ्यूचर कहा भी जाता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसको मैं आइडेंटिफाई करते हैं वर प्लस गा गी या गे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वह आएगा, वह गाना गाएगा, वह सोएगा, इस तरीके से। तो जब गा गे गी रहेगा तो उस समय ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें यह दिखाता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे डिफिनेशंस के तौर पे कर सकते हो, इट शोज द एक्शन, इट शोज द एक्शंस एक्शन इन फ्यूचर, माने भविष्य में कोई काम होगा। इसका स्ट्रक्चर्स बात किया जाए, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका होता है, है ना। यहाँ पे जो वर्ब होगा ये कौन सा होगा, वर्ब का पहला रूप होगा V1 होगा। निगेटिव रहेगा, अगर इसका निगेटिव बात किया जाए तो निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो हम लोग बोलेंगे ही विल कम, एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे ही विल कम। यहाँ पे जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल नॉट कम, तो वो निगेटिव सेंटेंस वहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए विल किसके साथ यूज करेंगे और शैल किसके साथ यूज करेंगे, तो विल जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो विल का यूज करेंगे और जब प्लूरल हमारा होगा तो शैल का यूज जो है हम लोग करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब
सेंटेंस में जब हमें मीनिंग मिलता है तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो आइडिया यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ब प्लस रहेगा, है ना, ता रहेगा लिख सकते हैं, ता रहेगा प्लस या ती रहेंगी या ते रहेंगे, इस तरीके का हो। और इसमें ये क्या दिखाता है, इट शोज एनी या इट शोज द वर्क विच इज कंटिन्यूअस इन फ्यूचर, इट शोज द एक्शन और वर्क गोइंग ऑन इन फ्यूचर, मैंने ये कोई काम को बताएगा जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में वो एक टाइम तक, मतलब जिस समय तक बोला, मतलब जी अभी बोल रहे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि वह गाना गाता रहेगा, मैंने फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेगा, जो भी काम है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, तो उसको जो हम लोग कहेंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हमारा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स बात किया जाए, स्ट्रक्चर्स फॉर अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर्स तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसी का अगर निगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएं तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस वी फोर प्लस ऑब, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, नोट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर्स है। बाकी आपका इंटरनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, इन सभी का स्ट्रक्चर्स आपको खुद से बनाने हैं और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से सेम चीज़ में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी करेंगे। क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानेंगे वर्ब प्लस क्या है, या होगी, या होगा, या ई होगी, ए होंगे, होगे, इस तरीके से मतलब आपका आएगा। तो हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि वह खाना खा चुका होगा, मतलब वो उसके सामने नहीं है लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहा है कि वह खाना खा चुका होगा, क्योंकि मैंने उसे जो आधा घंटा पहले खाना दिया था इसलिए जो है वो खाना खा चुका, मतलब एक इमेजिनरी कि हाँ मैंने उसको इतना बजे दिया है ये वो, तो हाँ वो खाना खा चुका होगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग जो है पहला जो टेंस का वीडियो है वो आप लोग देख चुके होंगे, है ना, तो यहाँ पे चुके होंगे, चुका होगी इस तरीके, चुकी होगी इस तरीके से डिफाइन क्या करेंगे, तो इट शोज द एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, यानी कोई वैसा काम जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा, तो उसको जो हम लोग लेंगे। स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए, स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव के लिए तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस विल या शैल
उसके बाद क्या है? प्लस हैव, प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसका अगर निगेटिव स्ट्रक्चर्स बताएं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है क्या होगा? स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव का स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, और बनाने के बाद क्या करना है? ग्रुप में शेयर करना है। ओके, एंड लास्ट बच जाता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या तुमने इसको नोट कर लिया है? अगर इसको नोट कर लिया तो ठीक है, क्योंकि इसका चीज़ें मैं इसी में लिखूंगा। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब प्लस, वर्ब प्लस तार है, ता रहेगी, ती रहेगी, तार रहेगा, ते रहेंगे। ठीक है, ये डिफाइन कैसे होगा? इसको डिफाइन करेगा इट शोज द एक्शन, इट शोज द एक्शन इट शोज द एक्शन स्टार्टेड इन फ्यूचर, स्टार्टेड इन फ्यूचर एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। यहाँ पे विद टाइम भी यहाँ पे जरूर दे देना है, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, माने वो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में जो है कुछ समय तक क्या रहेगा? मतलब कंटिन्यू रहेगा, है ना, फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा ये तो जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार पता चलेगा ना। जैसे हम लोग बोलेंगे कि वह चार घंटों से खाना खा रहा होगा, वह चार घंटों से खाना खा रहा होगा, तो मैंने फ्यूचर में वो स्टार्ट भी हुआ और चार घंटे तक वो काम चलेगा भी और, ठीक है, तो फ्यूचर में कंटिन्यू भी रहेगा, कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स बात किया जाए, स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव के लिए तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, यहाँ पे है प्लस विन प्लस वी फोर प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है निगेटिव में, जो इसका निगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? सेम चीज़ें यहाँ से बस हट जाएगा, यहाँ पे वीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम, ये होगा निगेटिव के लिए। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, बाकी आपका इंट्रोगेटिव, इंटर निगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, इसका जो है बनाना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, और उसको बनाने के बाद कहाँ शेयर करना है? तो ग्रुप में शेयर कर देना है। कहाँ शेयर कर देना है? ग्रुप में। उसे बनाने के बाद क्या कर देना है? आपको शेयर कर देना है। जो है मैंने बताया कि सीन्स या फोर होता है प्लस टाइम होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस के केस में सीन्स के जगह पे, है ना, सीन्स के जगह पे क्या होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है और फोर के जगह पे फोर का ही प्रयोग होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मिटाकर क्या लिख देना है, यहाँ पे मिटाकर आपको लिख देना है कि फोर या फ्रॉम यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे भी फोर या फ्रॉम आपका यूज होगा, ना कि सिंस और फोर। यहाँ पे थोड़ी सी जो है मैंने गलत बता दिया, तो यहाँ पे आप लोग जो है चेंज कर लेना।